Moving to the feeders pathway of glycolysis or carbohydrate metabolism, we kar rahe glycolysis of glucose. But remember, glucose is not only the sugar which can enter into the glycolysis, all the other sugars, that is fructose, mannose, galactose, all other sugars, they can also enter into the glycolysis through either one of the intermediates of glycolysis. किसी ना किसी प्रकार से हर एक शुगर ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करती है ओके okay. अब ग्लूकोज के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो हाउ ऑल दी शुगर्स दे एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। इसके बारे में हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सो वी कैन टेक ग्लूकोज और वी कैन टेक अ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वी कैन टेक कार्बोहाइड्रेट इन द्लाइकोजन वी कैन टेक कार्बोहाइड्रेट इन दुक्रोज कैन टेक कार्बोहाइड्रेट इन दफ ट्री हेलोज और वी कैन टेक कार्बोहाइड्रेट इन दैक्टोज कोई भी फॉर्म हो हर एक फॉर्म ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकती पहले तो स्टार्च ग्लाइकोजन और ट्रीहालोज के बारे में डिस्कस करें क्योंकि ये तीनों शुगर्स हमें पता है डी ग्लूकोज से बनी होती है ना तो मोनोमरिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्टार्च ग्लाइकोजन एंड तो होता क्या है जब कभी आप स्टार्च ग्लाइकोजन या ट्रीहालोज खाएंगे डाइजेशन तो स्टार्ट होगा माउथ में तो तो स्टार्च और ग्लाइकोजन पार्शियली डाइजेस्ट होकर डेक्सट्रीन एंड माल्टोज के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्सट्रीन एंड माल्टोज विच एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट दैट इज ड्यूडेनम ड्यूडेनम के लाइनिंग में बहुत सारे इपिथेलियल सेल्स हैं दीज आर द इपिथेलियल सेल्स ऑफ ड्यूडेनम यहां पर इन इपिथिल सेल्स के सरफेस पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे हमारे लिए अब जो इंपॉर्टेंट है डेक्सट्रिनेज माल्टेज तो ये एंजाइम क्या करेंगे यहां पर जो डेक्सट्रिन आ चुका है यहां पर जो माल्टोज आ चुका है इनको डाइजेस्ट करेंगे इनटू द मोनोमेरिक शुगर एस ग्लूकोज क्या बना इनसे ग्लूकोज बना नाउ ग्लूकोज इज ब्लड ग्लूकोज क्या हो रहा है ब्लड में एपसॉर्ब हो रहा है तो इसके बाद आपको पता है क्या होता है नाउ ब्लड सॉरी ग्लूकोज इंटर इनटू द ब्लड ग्लूकोज कहां से आ सकता है स्टार्च से ट्रीह से या ग्लाइकोजन से तो ये तो हमने अब तक

सुक्रोज की सुक्रोज यहां पर आएगा इफ सुक्रोज एंटर इनटू द इंटेस्टाइन सुक्रोज का डाइजेशन माउथ में नहीं होगा सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है हेट्रो डाइसैकेराइड और हमें पता है सुक्रोज किससे बना होता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर है ना सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है सुक्रोज डायरेक्टली ब्लड में एंटर नहीं कर पाएगा कोई भी शुगर ड्राइसेकर ऑलिगोसेट पॉलीसेकर डायरेक्टली कभी ब्लड में जाएगी नहीं उसका मोनोमर ही जाएगा वापस इन एपिथेलियल सेल्स पर एंजाइम होता है सुक्रेज सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे कुछ अमाउंट में ग्लूकोज और कुछ अमाउंट में सुक्रोज सॉरी फ्रक्टोज दोनों इक्वल अमाउंट में एंटर करेंगे ना क्योंकि दो एक 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 सुक्रोज में दो में से एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है तो इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ब्लड में एंटर करेंगे ग्लूकोज के साथ क्या होगा हमें पता है ग्लूकोज कहाँ से भी आए हमें लेना देना नहीं है लेकिन ग्लूकोज के साथ क्या होता है हमें पता है अब रही बात किसकी फ्रक्टोज की नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ फ्रक्टोज एंटर टू द ब्लड मास तो जो फ्रक्टोज यहां पर आ चुका है इन जनरल किसी भी सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इन जनरल जनरल सेल एक्सेप्ट लीवर लीवर या नॉन लीवर सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं हाउ फ्रक्टोज इज एप्स इन टू द ब्लड थ्रू अ ट्रांसपोर्टर कॉल्ड ग्लूट फाइव हमें पता है इंटेस्टेन के, सेल्स पर, 5 जो के लिए ट्रांसपोर्टर होता है वह प्रक्टोज को ब्लड तक लेकर आएगा ब्लड से अब फ्रक्टोज किसी सेल में एंटर करेगा फ्रक्टोज पर एक एंजाइम काम करेगा एग्जोकाइनिस जो कि एक एटीपी यूज करेगा एडीपी में कन्वर्ट होगा और सिक्स फास्फेट बनेगा सिंथेसिस ऑफ़ अ सिक्स फास्फेट इसके आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि खुद फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट क्या है एक ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट तो फ्रक्टोज एंटर इंटू द ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम वेर और विच थ्रू विच इंटरमीडिएट फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ये तो बात कहाँ की है नॉन लीवर सेल्स की नॉन लीवर सेल्स बट लीवर सेल में ऐसा होता नहीं पहले भी मैंने कहा है लीवर का मेटाबॉलिज्म कंपेरेटिवलींटेंट अलग होता है क्योंकि इसका एंजाइमेटिक कंटेंट अलग है वापस यहाँ पर फ्रक्टोज आ जाए फ्रक्टोज यहाँ पर आ जाए तो फास्फेट नहीं बन सकता ना क्यों नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर हेक्सोकाइनेस नहीं होता है लीवर में यहां पर होता है ग्लूकोकाइनिस स्पेसिफिक टू तो ग्लूकोज नॉट टू तो फ्रक्टोज ना यहां पर लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रक्टोकाइनिस जैसे ग्लूकोज के लिए ग्लूकोकाइनिस होता है सिमिलरली फ्रक्टोज के लिए गैलेक्टोज के लिए प्रक्टोकाइनिसनेस होगा फ्रक्टोज को कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज प्रसफेड में नॉट इन फ्रक्टोज फ्रक्टोड अलग है कुछ बाकी सेल्स में फ्रक्टोज प्रक्टोस डायरेक्ट बनता था और डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता था लेकिन यहां पर फ्रक्टोज वन फॉस्फेट बना अब इस पर आल्डोलेज एंजाइम काम करेगा स्प्लिट करेगा इसको डायहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट एंड फॉस थ्री सॉरी ग्लिसराल में ग्लिसराल इट इज नॉट अ थ्री इट इज जस्ट अ ग्लिसराल डीएचएपी तो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो सकता है थ्री में कन्वर्ट होगा और एंटर करेगा ग्लाइकोलाइसिस में इसका तो कुछ इश्यू नहीं है तो लीवर में फ्रक्टोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करने के लिए किसका सहारा ले रहा है किसके थ्रू एंटर कर रहा है थ्री पीजी थ्रू एंटर कर रहा है ठीक है रही बात ग्लिसराल डीहाइड की ग्लिसराल डिहाइड पर एक काइनेस काम करता है जिसका नाम है ट्रायोसका जो कि लीवर स्पेसिफिक एंजाइम है एक्ट ऑन द टू कन्वर्ट ट्रायसर कन्ड इंटू दिपीजीएल बस याद रखने वाली चीज यह है लीवर में फ्रक्टोज फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट थ्रू ग्लाइकोलाइसिस में एंटर नहीं कर रहा है ये एंटर कर रहा है कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू बस इतनी चीज याद रख लेना थ्री पीजीएल थ्रू एंटर करता है ठीक है थ्री पीजीएल डी एच एपी से डायरेक्ट बन जाएगा से. Se, 3PGL बनेगा और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगा ये तो हुआ फ्रक्टोज का तो फ्रक्टोज एंटर द ग्लाइकोलाइसिस रिजल्ट इंटू पाइरुवेट ग्लूकोज एंटर द ग्लाइकोलाइसिस रिजल्ट इंटू पाइरुवेट ये तो हुई बात फ्रक्टोज की उसके बाद मान लीजिए हमने ऐसा कोई शुगर खा लिया जो मैनोज बनाता है तो उसका क्या करेंगे मैनोज आ गया इंटेस्टाइन में मैनोज को भी एप्सऑफ कर लिया गया ब्लड में यहां तक तो आप पाथवे से में कुछ चेंज नहीं है एप्स तो होगा डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में मैनोज आ जाएगा ब्लड में अब मैनोज किसी भी सेल में एंटर करेगा तो क्या होगा मैनोज भी एक हेक्सोज शुगर है ना मैनोज इज अ शुगर मैनोज गेट कन्वर्ट इनटू मैनोस 6 फास्फेट मैनोज गेट कन्वर्ट इनटू मैनोस 6 फास्फेट बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम कुछ यहां पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं बिल्कुल समझना है बस मैनोस 6 फास्फेट एंटर कर, बन रहा है

ये क्या करेगा मैनोस को प्रसफेट में कन्वर्ट करेगा और अब क्या स्टार्ट होगा इसका ग्लाइकोलाइसिस। तो याद रखने वाली क्या चीजें हैं मैनोज कौन से इंटरमीडिएट थ्रू ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर रहे हैं फास्फेट थ्रू फ्रक्टोज नॉन लीवर सेल्स में प्रक्टोिक्स फास्फेट थ्रू डायरेक्ट एंटर करता है फ्रक्टोज लीवर सेल में थ्री थ्रू एंटर करता है ग्लूकोज तो डायरेक्टली ग्लूकोज सिक्स फास्पेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होगा अब तक हमने तीन चीजें डिस्कस की फ्रक्टोज मैनोज एंड ग्लूकोज अब रही बात इसकी लैक्टोज खा लिया आपने मिल्क खा लिया या आपने मिल्क ले लिया है तो मिल्क की जो मेजर शुगर होती है आराम हमने हमने डिस्कस किया सेवन टू टेन परसेंट अमाउंट ऑफ मिल्क इज कंसिस्ट ऑफ लैक्टोज और लैक्टोज में होता क्या है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ग्लूकोज का तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम बात कर रहे हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की ये थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू अदर्स वापस ये कोई आपने ग्लूकोज सॉरी लैक्टोज खा लिया लैक्टोज का डाइजेशन भी माउथ में नहीं होगा इपिथिलियल सेल्स के मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम बनता रहेगा जिसका नाम है लैक्टेज जो कि लैक्टोज यहां आने पर उसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में और इसके बाद ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज हो एंटर करेगा ब्लड में दिस इज अ ग्लूकोज और ये जो आ रहा है दैट इज अ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ब्लड में क्या आ गया गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करने की वापस जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी सेल में ग्लूकोज एंटर करे ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोलाइसिस में करेगा रही बात किसकी क्टोज की नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ गैलेक्टोज ऑप्टेन फ्रॉम द लैक्टोज एंटर इन टूक कोई भी सेल ले लो लीवर सेल ले लो नॉन लीवर सेल ले लो सेम पाथवे होगा अनलाइक प्रकटोज ठीक है तो कोई भी सेल उसकी बात हम कर रहे हैं दिस इज अ लीवर सेल और नॉन लीवर सेल हिपैटिक सेल और नॉन हिपैटिक सेल वॉट एवर मे बी द टाइप ऑफ सेल किसी भी प्रकार की सेल हो तो क्या आ रहा है यहां पे गैलेक्टोज ठीक है तो गैलेक्टोज पर काम करेगा हेग्जोकाइनेस ये लिवर सेल रहेगी तो इस पर काम करेगा काइनेस वैसे ज्यादातर गैलेक्टोज लीवर से कंज्यूम होता है गैलेक्टोज इज मोस्टली कंज्यूम बाय द लीवर सेल बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स फॉर गैलेक्टोज दे आर मोर ऑन लीवर सेल इस वजह से गैलेक्टोज ज्यादातर कौन एब्जॉर्ब करेगा लीवर? गैलेक्टोज हेक्सोकाइनेज काम करे या गैलेक्टोकाइनेज काम करे इट इज कनवर्टेड इनटू गैलेक्टोज स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप ड्रा कर सकते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट अब ये बनेगा गैलेक्टोज 1 फास्फेट गैलेक्टोज 1 फास्फेट हाँ हेक्सोकाइनेज काम कर रहा है

एज एम पी डोनर ये यूएमपी डोनर है गैलेक्टोज के पास ऑलरेडी क्या है एक है एक नंबर के कार्बन पर यूएमपी का मतलब यूरासिल शुगर एंड वन फॉस्पेट ना तो कोई ये गैलेक्टोज है जस्ट समझने के लिए यहां पर एक फॉस्पेट ऑलरेडी है इसके यूडीपी ग्लूकोज एक्ट लाइक अम यूएमपी डोनर इसने यूएमपी दे दिया अब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज वन फास्फेट में यहां पर और यो यूएमपी बन रहा है या डोनेट किया जा रहा है इस फास्फेट के साथ आकर फास्फेट सुगर दैट इज राइबोस एंड यूरासिल अटैच होगा क्या बना ये यूडीपी गैलेक्टोज बनाना यूडीपी गैलेक्टोज बना। यहां पर जो एंजाइम काम करता है

इसने बनाया गैलेक्टो किस फॉर्म में यूडीपी गैलेक्टोज इस यूडीपी गैलेक्टोज पर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है इपीमरेस ये इपीमराइजेशन रिएक्शन करेगा हमें पता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ठीक है हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में अब यह इपीमराइजन रिएक्शन कर कुछ दो तीन स्टेप्स है जो हम यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहे इंपॉर्टेंट भी नहीं है इंटरमीडिएट थ्रू यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा और यूडीपी ग्लूकोज का क्या होता है पता है यूडीपी ग्लूकोज का क्या होता है यूडीपी ग्लूकोज इज यूटीलाइज एज यूएमपी डोनर और यूएमपी डोनर के तौर पर यूज होना के बाद यह यूडीपी ग्लूकोज क्या बनाता है ग्लूकोज वन फास्फेट बनाता है ना ग्लूकोज वन फास्फेट पर काम करेगा कोई म्यूटेस और ये बनाएगा ग्लूकोज तो क्या समझ में आया इससे तो इसे ये समझ में आ रहा है गैलेक्टोज इनटू तो द ग्लाइकोलाइसिस थ्रू होम और थ्रू इंटरमीडिएट ग्लूकोज सिक्स फास्ट तो इतनी चीजें क्यों की गई डायरेक्ट गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि नेचर में जो यूपी मरीज नाम का एंजाइम है इसकी डिमांड है इसने कहा सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूडीपी गैलेक्टोज को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है आप कैसे भी करो यूडीपी गैलेक्टोज दे दो मैं इसको यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता हूँ ये किसकी डिमांड है यूडीपी गैलेक्टोज पी गैलेक्टोजी मरीज इसको यूडीपी गैलेक्टोज देने के लिए हमें इतना तामझाम करना पड़ा आप अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है इसमें यूडीपी ग्लूकोज से हमने यूएमपी लिया ग्लूकोज वन फॉस्पेट रिलीज किया यूडीपी गैलेक्टोज बनाया अल्टीमेटली यूडीपी ग्लूकोज का होता क्या है ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द म्यूटेस एंड नाउ इट एंटर इन टू ग्लाइकोलाइसिस ठीक है सो गैलेक्टोज भी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर रहा है थ्रू द ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट ओके इसमें दो यूनिक एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोज गैलेक्टोज वन फॉस्पेटी ट्रांसफरेस यूडीपीपी मरिस एंड लास्ट वन इज म्यूटेस

ब्लड में और जब कभी शुगर कोई शुगर ब्लड में बढ़ जाती है ना जैसे ग्लूकोज बढ़ गया तो उसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहा जाता है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं ग्लूकोज बढ़ा तो तो जैसे ग्लाइ, ग्लाइसेमिया दैट इज अ डायबिटीज क्या हो रहा है ग्लूकोज बढ़ रहा है तो गैलेक्टोज कंज्यूम नहीं होगा किसी कारण गैलेक्टोज म्यूटेशन के कारण या यूडीपी ग्लूकोज टोज वन यूरोडिल ट्रांसफरेज के म्यूटेशन के कारण या एपी मरेज के म्यूटेशन के कारण म्यूटेड कोई भी हो गैलेक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए तो डिसीज का नाम होता है गैलेक्टोसेमिया जैसे ग्लाइकोसेमिया मीनस ग्लूकोसेमिया होता है हाइपर हाईपर या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दैट इज अ डायबिटीज जिसे हम ग्लूकोसेमिया कहते हैं तो यहां पर गैलेक्टोसेमिया हो रहा है गैलेक्टोसेमिया का मतलब क्या है तो यहां पर गैलेक्टोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा पड़ा पड़ा यहां पर गैलेक्टोज एक एंजाइम का नाम है आल्डोज रिडक्टेस जो कि गैलेक्टोज को रिड्यूस करेगा और एक अल्कोहल गैलेक्टोज इज इज्डियाइड शुगर ना जब कभी एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं अल्कोहल बनाते हैं मैनोज को रिड्यूस किया गया तो मैनिटॉल बना ग्लूकोज को रिड्यूस किया जाएगा तो उससे ग्लूकोज का अल्कोहल बनेगा तो गैलेक्टोज को हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा गैलेक्टोज का अल्कोहल जिसका नाम है टॉल गैलेक्टिटॉल ऐसा कंपाउंड है जो स्टेप बाय स्टेप जैसे बनता जाएगा galactose accumulation के कारण ये आईज में जाकर एक्यूमलेट होगा में में बन जाएगा जैसे गाड़ी के कांच पर कोई ड्रॉप्स गिर जाए तो आ, आगे का आपको अच्छे से नहीं दिखता है ना तो इस प्रकार से अपने लेंस पर

इसका मतलब आपको अवॉइड करना है गैलेक्टोसेमिया तो क्या करेंगे ऐसी चीजें मत खाइएगा जो कि गैलेक्टोज कंटेनिंग है लैक्टोज मत खाना गैलेक्टोज रिच शुगर नहीं खाना ताकि गैलेक्टोसेमिया अवॉइड किया जा सके गैलेक्टोसेमिया होता है गैलेक्टोकाइनेस की म्यूटेशन के कारण गैलेक्टोसेमिया जो होता है वह लेस सीवियर सिम्टम वाला होता है लेस सीवियर सिम्टम्स वाला हमने देखा गैलेक्टोसीमियाज बिकॉजेशन इ गैलेक्टोकाइ इज लेसवियर क्यों ऐसा होता होगा क्योंकि ठीक है लीवर का गैलेक्टोकाइनिस काम ना करे बट बाकी बाकी जो बॉडी सेल्स से, है उसका तो भी काम करेगा और गैलेक्टोज कंजूम होता रहेगा सिवियरिटी कम होती है लेकिन ये एनजायम या ये एनजायम म्यूटेट हो जाए तो गैलेक्टोसेमिया ही होता है लेकिन हाइएस्ट सीवियरिटी वाला होता है ब्लाइंडनेस बहुत फास्ट आना स्टार्ट होता है दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड बाकी कुछ इसमें याद रखने लायक चीजें नहीं दूसरी बात लैक्टेज एंजाइम एज के हिसाब से कम होता जाता है तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में एक लीटर दो लीटर मिल्क आप ले, ली ले ले ले, ले, लेते तो आप पूरा डाइजेस्ट कर पाते थे लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा लैक्टेज एंजाइम का अमाउंट कम होता जाएगा क्योंकि उसके लैक्टेज एंजाइम का जीन का एक्सप्रेशन कम होता है एज पर द एज लैक्टेज एंजाइम रिड्यूसेस एंड वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द लैक्टोज

रिलीज होगा, डायरिया होगा लार्ज इंटेस्टाइन में पेन आना पेन होगा दैट इज़ कॉल्ड एंड लैक्टोज इन दिस इज अबाउट लैक्टोज मेटाबोलिजे ओवरऑल जितने भी शुगर्स हम खाते सभी, के सभी किसी ना किसी इंटरमीडिएट के थ्रू कहा एंटर करते हैं कोशिश कर रहे हैं. तो हमने कहा ग्लूकोज तो होगा इरिवर्सिबली ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट में उसके बाद फ्रक्टोज सिक्स फॉस्पेट बनेगा रिवर्सिबल रियाक्शन से उसके बाद फ्रक्टोज 16 बिस्फोस्फेट बनेगा वापस इरिवर्सिबल रिएक्शन से उसके बाद दो कंपाउंड्स बनेंगे एक डीएचएपी बनेगा एक 3पीजीएएल बनेगा आगे चलकर डीएचएपी भी 3पीजीएल में ही कन्वर्ट होगा तो हमारे पास ओवरऑल कितने 3पीजीएल निकल कर आएंगे तो 3पीजीएल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा 13बीपीजीए बनेगा वन थ्री सभी रिवर्सिबल स्टेप्स ए ऑल आर रिवर्सिबल स्टेप्स इंक्लूडिंग दिस स्टेप पी जी ए गेट कन्वर्ट इन टू थ्री पी जी थ्री पी बनते समय सबस्टेट लेवलेशन होगा ये दो होते हैं इसके कारण यहाँ पर दो ए डी पी यूज होंगे दो ए टी पी बनेंगे थ्री पी आगे चलकर टू पी में कन्वर्ट होगा यहाँ पर भी दो थ्री पी होते हैं तो दो टू पीजीए गेट कन्वर्ट इन टू फॉस्कोनॉल पायरवेट बाई एंजाइम डिहाइड्रेशन होगा फॉस्कोइनोल पायरवेट इरिवर्सिबली कन्वर्ट होता है पायरवेट में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पायरवेट के दो और यहाँ पर भी दो फॉस्कोइनोल पायरवेट में इनोइल फॉस्पेट बॉन्ड होता है जो कि दो एडीपी को कंज्यूम करेगा और सब्स्टेट लेवल फॉस्परलेन कर कर दो ए टीपी बनाएगा यहाँ पर एक ए टी पी लग रहा था और यहाँ पर एक ए टी पी लग रहा था ओवरऑल हम एनर्जेटिक बैलेंस देखिए ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से नेट कितने एटीपी बनेंगे दो एटीपी टोटल एटीपी तो चार बनते हैं लेकिन ऑलरेडी दो हमने खर्च किए थे दैट्स वाई नेट गेन ऑफ एटीपी इज पी टू ए ठीक है हमने यहां से लेकर यहां तक के जो स्टेप्स थे इसे हमने प्रिपरेटरी फेज कहा और यहां से लेकर सॉरी इसके आगे वाले जो भी स्टेप्स है इसे हमने पे ऑफ फेज कहा एक ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई जिसके दौरान एन ए प्लस कंजूम हुए और दो एन बने बाकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेप यहां पर होती नहीं है यह तो हुआ ग्लाइकोलाइसिस किसका ग्लूकोज का फ्रक्टोज हमने देखा फ्रक्टोज यहां से एंटर कर सकता है ग्लाइकोलाइसिस में या फ्रक्टोज यहां से एंटर कर सकता है ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा गैलेक्टोज ग्लूकोज सिक्स फास्पेट से एंटर करेगा डायरेक्ट नहीं एंटर करेगा हमने पाथवे डिस्कस किया है मैनोज में एंटर करेगा तो यहां पर जो पायरवेट हमारे पास आ रहे हैं ये ग्लूकोज से आए जरूरी नहीं है ये फ्रक्टोज से भी आ सकते हैं ये ग्लूकोज से भी आ सकते हैं ये गैलेक्टोज से भी आ सकते हैं या मैनो इन जनरल पायरवेट इज ऑप्टेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शुगर ठीक है तो प्रोडक्ट जो बना है पायुर्वेद इसका आगे क्या होगा वॉट इज द फेट ऑफ पायरुवेट तो लेट्स डिस्कस अबाउट फेट ऑफ पायुर्वेद पायुर्वेद का फेट क्या होता है